लगता है बॉस आपको इस घर से कुछ ज्यादा ही प्यार है, इसलिए रोज रोज इस घर की तस्वीरें देखते रहते हैं। जितनी मोहब्बत मैं इस घर से करता हूं ना, उतनी ही इस घर में रहने वाले लोगों से नफरत करता हूं। दानी साहब, इस घर में रहता कौन है? समीर, आप थोड़ा सीधा तो खड़े रहे। कैसे सीधा खड़ा रहूं यार? मम्मा, मेरा पेंसिल बॉक्स कहाँ है? वो देखो, बाबा के पास पड़ी है। यार आयशा, मैं तंग आ गया हूँ। तुम आलिया को सिखाते सिखाते मेरा स्केच क्यों मना रही हो? चुप करके आप खड़े रहे। अच्छा सुने, मुझे ये बताएं कि जब आपने मुझे पहली दफा देखा था तो क्या सोचा था आपने? कहाँ फंस गया हूँ मैं यार। क्या? अरे नहीं, मेरे कहने का मतलब ये कि मैं थक गया हूँ यार, पसीनो पसीनो हो गया हूँ, बस भी करो। मेरा तो दिल था कि आप मुझे देखे बगैर ही चले जाओ। क्यों? मैं LLB कर रही थी, मैं काम करना चाह रही थी, किसी बिजनेसमैन की बीवी नहीं बनने का दिल था मेरा। तो मुझे पता है आपने क्या सोचा होगा, खूबसूरत लड़की है, पढ़ी लिखी है, घर के काम काज भी आ जाएंगे, खूब मेरी खिदमत करेगी, है ना? हाँ, सोचा तो मैंने भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन जब मैं तुमसे मिला तो मेरा इरादा बदल गया, मेरा दिल कुछ और चाहने लगा। अच्छा, तो क्या चाह रहा था आपका दिल? यही कि काश मैं ऐसा हो जाऊं जिस पर तुम्हें हमेशा प्यार है, जो तुम्हें भूले से भी याद आए तो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, जिससे दूर होकर तुम्हारा कभी दिल ना, जो तुम्हारा तो हो ही पर तुम खुद सिर्फ उसकी हो। वैसे आपने जिंदगी में जरूर कोई नेक काम किया होगा, इसीलिए आपको इतनी अच्छी लगती होगी, लेकिन खुश फहमी में नहीं रहिएगा। अगर किसी दिन मेरा दिल दुखाया या मेरा ख्याल नहीं रखा, छोड़ दूंगी आपको। अरे अच्छा, दिखाइए क्या बनाया आपने। आपको किस जगह मैं आपकी तस्वीर बना रही हूँ? मैं तो सिर्फ सजा दे रही थी क्योंकि आप दफ्तर से इतनी देर से आए। यार बहुत तंग करती हो तुम। हाँ, समीर मुझे चक्कर आ रहे थे। अब मैं तुम्हारे किसी चक्कर में नहीं आने वाला हूँ आयशा। हो सकता है कमजोरी की वजह से चक्कर आ गए हो, बट अब वो बेहतर फील कर रही हैं। अब हो सकता है क्या? मतलब कुछ और भी हो सकता है? चांस तो है, हमें उनके कुछ ब्लड टेस्ट लेने होंगे। ब्लड टेस्ट? वो भी आयशा के? डॉक्टर साहब, आपका पेशेंट ने ब्लड टेस्ट देने से मना कर दिया है। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? आइए आप, मैं आपको समझाता हूं। प्लीज नहीं, मैं ठीक हूँ। आप घबराएं नहीं, परेशान नहीं हूँ, आप प्लीज ये इंजेक्शन लगवा लें। नहीं, मैं इंजेक्शन नहीं लगवा सकती, मुझे इंजेक्शन बहुत बुरी लगती है। सब आपका कसूर है, आप यहाँ पे खड़े होकर हंस रहे हैं, आप क्यों लेकर आए मुझे? तुम बेहोश हो गई थी इसलिए मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके आया हूँ, शॉपिंग सेंटर तो नहीं लेके जाता ना। आप जान के कर रहे हैं, आपको पता है कि मुझे हॉस्पिटल्स कितनी बुरी लगती हैं, आप क्यों कर रहे हैं ये? मुझे जरूरत नहीं है इंजेक्शन की। आप परेशान ना हो, आप जाएं, मैं इनको संभाल लूंगी। जी प्लीज ट्राई। समीर, समीर आप रिलैक्स करें, आप रिलैक्स करें, इट्स ऑल राइट, पता भी नहीं चलेगा। डॉक्टर साहब एक मिनट,
10 मिनट जाया किए तुमने डॉक्टर साहब के, वो भी सोच रहे होंगे इतनी बड़ी हो के तुम। बहुत मजा आ रहा है ना आपको? नहीं, मुझे एक्चुअली हैरानगी हो रही है कि जिनकी नजरें खुद तलवारें हो वो एक छोटी सी सुई से कैसे डर सकती है। सब आपकी ऐसी बातें नहीं चलेंगी मेरे साथ। सर सॉरी, प्लीज तुम नाराज क्यों हो रही हो? तुम इस बात को जानती हो कि मैं तुम्हारी सेहत को लेकर कभी भी लापरवाही नहीं कर सकता। आफ्टर ऑल तुम मेरी इकलौती बीवी हो। हाँ, 3-4 होती ना फिर मुझे पता चलता। नहीं नहीं, फिर तो तुम्हारी और ज्यादा कदर होती, क्योंकि ये बात साबित हो जाती कि तुम जैसा कोई नहीं है और मैं सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ। हालिया कहाँ है? बड़ी परेशानी हो रही है उसकी, इतनी देर से बगैर मेरे बैठी हुई है। डोंट वरी, मैंने ड्राइवर के साथ उसे तुम्हारी अम्मी के घर भिजवा दिया था। थैंक यू। अभी भी दर्द? बस कर दें आप। अरे आलिया बेटा, ये फ्रूट खा लो, तुम्हारी मामा को पता चल गया तो वो मेरा सर खा जाएगी। अरे मम्मा, मम्मा। अरे आलिया कैसी हो? हाँ, अच्छा फ्रूट खा रही थी, गुड गर्ल। अरे क्या फ्रूट खा रही थी, मुझे तो भगा रही थी ये, इतना दौड़ाया इसने, जरा भी नहीं खाया फ्रूट। अरे तुम लोग कहाँ गए थे? खैर तो है? बेहोश हो गई थी आपकी बेटी। या अल्लाह, क्या कह रहे हो? मैं तो इसे समझा समझा के थक गया हूँ, भाभी से समझा के देखिए, पता नहीं इसके सर पे डाइटिंग का भूत कहाँ से सवार हुआ है। बेटा अपना ख्याल नहीं है तो आलिया का तो सोचो, एक तो तुम्हें दवाओं से, हॉस्पिटल से ऐसे नफरत है जैसे किसी दुश्मन से होती है। अरे दुश्मन तो तुम खुद हो अपनी सेहत की। अच्छा ना, बस अम्मी अबू का अंदर बैठे हुए, जब से रिटायरमेंट का पता चला है चुप चुप से रहने लगे हैं बस। मैं उन्हें देख के आता हूँ। लो अब तो खा लो, मम्मा आ गई। क्या होगा? यम्मी यम्मी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अरे समीर बेटा, वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो बैठो बैठो। क्या बात है अंकल, आप अकेले चुप चुप बैठे हुए हैं? बेटा बस यूं समझ लो कि वो क्या कहते हैं कि तूफान से पहले की खामोशी। असल में कल मैं रिटायर हो रहा हूं बेटा। अरे अंकल आप रिटायर नहीं हो रहे, बल्कि आपकी जॉब बदल रही है। आप सर्विस में थे तो आपको एक आधी छुट्टी मिल जाती थी, लेकिन अब आपको इस घर के बॉस कोई भी छुट्टी नहीं देंगी। बेटा पहले भी मैं इन्हीं की नौकरी करता था, और किसकी करता था। यूं है बेटा कि ये तो मुझे पहले से पता था और कई सालों से पता था कि रिटायर होना है, लेकिन अब जबकि एक दिन रह गया है तो फीलिंग कुछ यूं है कि जैसे कोई भटका हुआ मुसाफिर हो और पता ना चल रहा हो कि किस तरफ जाना। लेकिन अंकल मुझे तो सब पता है ना, आप 40 साल से काम कर रहे हैं, अब आप थोड़ा सा रेस्ट कीजिए और बाकी फारिग वक्त में मेरे एम्प्लॉयज को आगे थोड़ी ट्रेनिंग दे दें। तो इसका मतलब है कि मैं अंकल को नौकरी दे रहा हूं? नहीं, एक मल्टीनेशनल के हेड को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। बस तो फिर ठीक है, डिसाइडेड। कल आपकी रिटायरमेंट और मेरी फैक्ट्री ज्वाइन करने की खुशी में मेरी तरफ से एक पार्टी है आप सबके लिए। हैं? चलो देखते हैं। नहीं देखते नहीं, अब देखते आपने... हैं भाई घर की मालकन क्या कहती है। अरे उनसे मैं बात कर लू। उनसे बात कर सकते हो? कोशिश करूंगा आपको सामने रख के। अच्छा। मैं खड़ा हो जाऊं। आज इतने दिन बाद तुम्हारे बाबा को मैंने इतना खुश देखा है। समीर तो जैसे सच मानो अल्लाह की मेहरबानी की तरह है हमारे लिए हमारा दामाद। अच्छा अम्मी हम बस कर दे, उसे इतना भी सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं। क्यों सर पे ना चढ़ाऊं? अरे दामाद है हमारा, हम तो सर पे चढ़ाएंगे भाई। पुराने जमाने वाली बातें, आजकल ऐसा नहीं होता है। औरत के लिए कभी जमाना नहीं बदलता मेरी बच्ची। अच्छा चलें छोड़ें बात। ये पता है मिठाई कहाँ से आई? ये अगर पता चल गया ना सारा घर सर पे उठा लेंगे। क्यों? तुम्हारी हिना खाला ने भेजी है मिठाई। अच्छा उनको हम कैसे याद आ गए, वो भी इतने अरसे बाद। अरे सुना है शहरयार बहुत बड़ा वकील बन गया है। अच्छा Thank you.
वाह भाई, तुम तो स्टार बन गए। अपने डांस सीखो, मेरे पास प्रेस भेजना बंद कर दे प्लीज। क्यों? He loves you। पता नहीं क्या जादू कर दिया तुमने उनके ऊपर। जादू तो मैंने अदालत वालों भी किया। अब मुझे अंदाजा हुआ है कि अच्छा वकील बनने के लिए अच्छे दलाल नहीं बल्कि अच्छे ताल्लुकात होना ज्यादा जरूरी है। By the way, डैड तुमसे मिलना चाहते हैं। क्यों? What do you mean क्यों? खुश है वो तुमसे? पता है पूरे शहर में मिठाई तकसीम कर रहे हैं वो। स्वीर अवेम, मिठाई से याद है मुझे अम्मी के लिए इंसुलिन लेने जाना था। मैं आज सी यू। But listen, मेरे द्वारा पागल मिलाने की कोशिश ना करना, एक एक डब्बे का हिसाब लूंगी मैं तुमसे। हाँ बाजी, पूरे महले में तकसीम कराई मिठाई, सब बहुत मुबारकबाद दे रहे थे। हाँ अब तो ऐरों से ही मुबारकबाद वसूल करेंगे हम। हफ्ते तो जलकर खाक हो गए मेरे शहरयार की कामयाबी सुनकर। क्या करिए मियां आप? आपको शुगर है जानती है ना, अपना कोई ख्याल नहीं आपको। तेरी कामयाबी की मिठाई है, इतनी दुआएं करके ये दिन आया, मैं तो खाऊंगी। हम अब दूसरों को भी खिलाऊंगी। अब वो रजाक साहब है ना पीछे, उनको जाके मिठाई दे के आप दो तीन डब्बे ले जाना उनके घर। हम ये पीछे वाला से तो आपकी बनती नहीं थी, तो उनको मिठाई क्यों? जिनसे नहीं ना बनती उनको ज्यादा मिठाई भेजी है मैंने। मुझे तेरे खालू शाहिद है ना, वो भी तेरी कामयाबी की खबर सुन के जलकर राख हो गए। अम्मी नाजिया खाला को भी, जब आपने इतने सालों से उनको पूछा तक नहीं तो फिर मिठाई क्यों? इसलिए कि जब मुझे याद आती है ना उनकी बातें तो मेरे दिल को चुभती हैं। याद है जब मैं आयशा का रिश्ता लेने गई थी ना तेरे लिए, तो क्या कहा था उन्होंने कि तुम्हारा लड़का तो तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकता, वो हमारी बेटी का क्या ख्याल रखेगा, निकम्मा समझते थे तुझे। अल्लाह अल्लाह करके ये दिन देखने को मिला है, तो क्यों ना करूं मैं? आपसे मैं कोई बहस नहीं कर सकता। हाँ जानती हूँ मैं, इसीलिए तो मैं उसको लेकर आ रही हूँ जिससे बहस करके तेरा मूड खराब नहीं होगा। नायला के डैडी से बात हुई थी मेरी, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है वो लड़की। हाँ मैं किसके बारे में सोचूंगा? आयशा के बारे में भी नहीं। आयशा? तुम्हारी अम्मी ने मुझे सब कुछ बता दिया शहरयार। उसकी रिपोर्ट्स तसल्ली बख्श नहीं है, हमें जल्द अज जल्द उसके कुछ मजीद टेस्ट करवाने होंगे, आप समझ रहे हैं ना? ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब। तो अभी मिला था, फिर आ गई थी। तो क्या हुआ? मैं दिल चाह रहा था तुमसे मिलने का, और वैसे भी मैंने सोचा मैं आंटी से भी मिल ली। एक बात बताओ, ऐसी कोई बात है या ऐसे कोई सीक्रेट है तुम्हारा जो तुम मुझे बताना भूल गए हो या नहीं बताया हो? नहीं तो झूठ। ऐसी कौन सी बात है जिसके बारे में तुम यहाँ खड़े होके अपना दिल जलाते हो? कुछ भी नहीं है। मैं किसके बारे में सोचूंगा? आयशा के बारे में भी नहीं। आयशा? तुम्हारी अम्मी ने मुझे सब कुछ बता दिया शहरयार, भूले नहीं ना उसे अभी तक? अम्मी पता नहीं क्या क्या बोलती रहती, उनकी बातों में ना आया करो। राज छुपाए जाते हैं शहरयार, फीलिंग्स नहीं। तुम अभी तक आयशा को नहीं भूले हो और ये साफ साफ तुम्हारी शक्ल पे जाहिर है।
क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहा है? जानती हो कि खुदा की मुझे कुछ चीजें तुम्हें देखने के बाद समझ में आई हैं। जैसे कि? जैसे कि पर्दा क्यों जरूरी है? कोई भी तुम्हें देख के अपने होश खोते है। आप इतनी खूबसूरत हैं कि अगर खूबसूरत लफ्ज को खूबसूरती की मिसाल देनी हो ना तो वो भी आपका जिक्र करे। अच्छा, अगर आप इतने मलक्कड़ हो गए तो मैं आपको याद दिला दूं, आज रात मेरे दोस्त के घर दावत है, मैं 8 बजे जाना है। हाँ तो मैंने अभी तो कहा मैं तुम्हें देख के वाकई सब कुछ भूल जाता हूँ। इस टाइम पे उसका फोन आ गया तो आप और आपके फोन। आई नो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? रिपोर्ट्स आ गई हैं, सब ठीक है ना? नहीं समीर साहब, आयशा की रिपोर्ट्स ठीक नहीं आई है, हमें उसके मजीद कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे। अच्छा तो चले मैं 1-2 दिन में आपके पास आता हूँ। नहीं आप समझ नहीं रहे हैं, उसकी रिपोर्ट्स तसल्ली बख्श नहीं है, हमें जल्द अज जल्द उसके कुछ मजीद टेस्ट करवाने होंगे, आप समझ रहे हैं ना? ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहिबा। ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ, सब खैर? हाँ वो डॉक्टर साहिबा को फोन था, वो कह रही थी कि रिपोर्ट सही नहीं आई है, दोबारा करनी पड़ेगी। मैं अभी हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। आयशा बहुत जरूरी है, इट्स इंपॉर्टेंट। प्लीज अभी मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी, बाद में बात करनी। आयशा हॉस्पिटल? सीरियसली हॉस्पिटल? इस वक्त आप में मूड खराब आ करने वाले हैं क्योंकि ये जरूरी, और ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्टर कह रही है, प्लीज। लेकिन अभी जबरदस्ती? वी हैव टू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलो आप। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप भाई? आपका ही वेट कर रही थी। पिछले दफा तो ब्लड टेस्ट देते हुए आप बहुत घबरा रही थी, पर आज तो बहुत एक्साइटेड लग रही हैं। है ब्लड टेस्ट? समीर मैं अपने से ब्लड टेस्ट नहीं दूंगी, अगर आपने मुझे फोर्स किया तो बस मैं अम्मी के घर जाके रह जाऊंगा। वी हैव टू। इट्स ओके, मैं इसे समझाती हूं, आप आए मेरे साथ। आयशा मैं तुम्हारी खुशियों के लिए अपना कुछ भी कुर्बान कर सकता हूँ, और ये सब कुछ वैसे भी तुम्हारी खुशियों से बहुत फर्क है। तुम्हें पता है कि अगर तुम पे कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा? हाँ फोन उठा लिया। हेलो क्या? अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ। ओके आयशा जल्दी चलो। इंस्पेक्टर साहब, समीर साहब इस घर के मालिक हैं, बस आने ही वाले होंगे, 2 मिनट देखिए। ले ये हैं समीर। क्या हुआ है? आप समीर साहब हैं और ये घर आपका है? जी जी मेरा घर है, बोलिए। आपके घर में घुसकर कोई तोड़फोड़ कर गया और आपके चौकीदार को बुरी तरह मारा है, और आप हमसे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ? आपको कुछ नहीं पता? नहीं मुझे नहीं पता है क्या हुआ है। केस वापस ले। समीर ने रिपोर्ट दर्ज कराई, अब आपने उसकी बीवी को, उसकी सास को, उसके ससुर को और उसको इतनी बार थाने बुलाना है कि उसकी जिंदगी हराम हो जाए। दानिश साहब वो समीर ने रिपोर्ट दर्ज करवाने से मना कर दिया। असल में समीर कहता है कि मैं किसी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाना नहीं चाहता। मैंने तो बहुत जोर लगाया मगर वो माना ही नहीं, क्या कर सकता था मैं। सॉरी 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 खड़ा
एक केस तुमसे हल नहीं होता और तू यहां खड़े होकर सॉरी कह रहा है मुझसे। दानिश भाई वो एक मिनट इसको जानते हैं 24 बंदे कत्ल कर चुका है और 25वें आदमी को मारने के लिए इसकी रूह बेचैन हो रही है। वो पानी का ग्लास उठा के ला। मैं खुद तो तुम कोई मेहनत करते नहीं हो और जो लोग मेहनत कर रहे होते उनका तुम साथ नहीं देते। थोड़ी मेहनत कर लिया करो एसपी। अब जाओ, जाके बाहर बैठो, जब तुम्हारी जरूरत होगी तो तुम्हें बुला लिया जाएगा। मैं समीर इतने बड़े खतरे से खेल रहा है और उसने हमें कुछ बताया भी नहीं। अरे नाजिया, ये खतरा भी तो हम ही ने उसके गले में डाला है। क्या मतलब? मतलब तो साफ जाहिर है लेकिन तुम समझोगी नहीं। नहीं, मुझे नहीं सुननी आपकी कोई बात। इतनी बड़ी चीज आपने मुझसे छुपाई। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। और जो कल हुआ है उससे तो मैं बहुत खुश हुई होंगी ना। वो ये सब कुछ इसलिए कर रहा है बिकॉज वो केस हार रहा है। तो फिर आप केस वापस ले लें। वो हमारी जायदाद पे कब्जा करना चाहता है, हमारी फैक्ट्री और घर पे अपना हक समझता है। मैं उसे अपने बीवी बच्चों का हक मारने नहीं दूंगा। ओके, तुम बेफिक्र हो जाओ, रिलैक्स। आपने उसके खिलाफ FIR क्यों नहीं दर्ज करवाई? क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि बार बार पुलिस हमारे घर पे आए। माँ हूं मैं तेरी। नाराज रहेगा आप मुझसे क्या? आप माँ हैं इसका मतलब आपके पास लाइसेंस है मेरी जिंदगी खराब करने का? क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहे हो तुम? अम्मी आपको किसने कहा था कि आप नाजिया खाला से मेरे लिए आयशा के रिश्ते की बात करें? है क्यों? वो जो बचपन से जवानी तक घूमते फिरते रहते थे उसके पीछे, तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत थी? माँ हूँ ना मैं तुम्हारी, सब समझती हूँ। अच्छा, अगर आप सब समझती हैं तो नायला को सारा किस्सा सुनाने की क्या जरूरत थी? ओहो, ये बात है। बेटा, मुझे लगता है बातों बातों में ना मुंह से मेरे बात निकल गई कोई है। नायला का फोन है, सुबह से 10 बार मुझे भी फोन कर चुकी है। करो करो बात करो, मैं जा रही हूँ। हेलो। फिर अपने ईगो का गला घोट के तो मैं खुद ही कॉल कर लेती हूँ। नहीं, मैं तुम्हें खुद ही फोन करने वाला था अभी। क्यों, मुझे मिस कर रहे थे या फिर कोई झूठ बोलना था? तुमसे कोई झूठ बोलना नहीं था मुझे। फिर मिस कर रहे हो? अगर ऐसी बात है तो जल्दी से बाहर आ जाओ, मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। क्या अभी? ओके ओके। कहाँ जा रहे हो? बस अल्लाह इसकी हिफाजत करे, पागल ही है ये लड़का। तुम्हारी अम्मी ने जब भी तुम्हारे और आयशा के बारे में बात करनी चाहिए
मुझ में हिम्मत ही नहीं हुई कोई बात सुनने की, लेकिन आज मैं खुद पूछ रही हूँ कि बताओ मुझे आयशा के बारे में। आयशा मेरी उसी खाला की बेटी है जिनसे हमारा रिश्ता खत्म हो गया था। तो तुम दोनों का रिश्ता आयशा की वजह से खत्म हुआ था? नहीं, शायद मेरी वजह से। आयशा तो ये बात जानती भी नहीं थी कि पढ़ते लिखते साथ बड़े होते आहिस्ता आहिस्ता मुझे उससे मोहब्बत हो जाएगी। तो इसका मतलब है तुम दोनों की बहुत दोस्ती भी होगी? हाँ, बहुत ही दोस्ती। जो चीज आयशा को पसंद होती थी वो ऑटोमेटिकली मुझे भी पसंद आती थी। आयशा वकील बनना चाहती थी और मैं आयशा को चाहता था। अब समझ में आया कि तुमने लॉ क्यों पढ़ा। और उसे लगता था कि मैं वकील बन ही नहीं सकता। तो आयशा अगर तुम्हारी पहली मोहब्बत थी, आखिरी मोहब्बत तो मैं ही हूं ना? आलिया, आलिया, ये क्या हो गया बेटा? इसको क्या लगा आलिया? आलिया, अरे क्या हुआ बेटा? लेकिन ये खून नहीं है। क्या हुआ? किसने किया है? इतना मारूंगा कि मार ही आयशा ने मुझे कभी उस नजर से देखा ही नहीं। मैं मेरे खालू, उनकी नजर में तो मैं एक निकम्मा और नालायक लड़का था जो कि हर वक्त उनके घर में बैठा रहता था। बस मेरी माँ को उनके इन ख्यालात के बारे में पता नहीं था और आयशा का हाथ मांगने के लिए चली गई उनकी तरफ। उन्होंने मेरी माँ को सुना दी, जवाबन मेरी माँ ने उन्हें दो चार सुना थे। बस उसके बाद हमारा मिलना ही नहीं। तो तुमने कभी उसे मिलने की या बात करने की कोशिश नहीं की? जब मिलने और ना मिलने में कोई फर्क ना रहे तो मिलने का फायदा क्या? और उसने भी कभी कॉल या टेक्स्ट कुछ नहीं किया? कभी कभार मैसेज ना आना भी मैसेज होता है। खुश हूं मैं ये देख के वो अपने शौहर के साथ खुश है। मुझे भूख लगी है, चलो कुछ खाते हैं। चल आपने समीर से बात की है? बात उसका कहना है कि दानिश उसके वालिद की पहली बीवी की औलाद है, उसका सौतेला भाई, लेकिन वो कोई अच्छा आदमी नहीं, उसकी रेपुटेशन बहुत खराब है। यही वजह है कि इस केस के बारे में समीर ने आयशा से कोई बात नहीं की कि कहीं ये ज्यादा परेशान ना हो जाए। कितना ख्याल रखता है ना हमारी आयशा का समीर, और साथ में हमारा भी, लेकिन आयशा पता नहीं क्यों उससे इतना गुस्सा करती है। अब देखे कल से नाराज होके चुपचाप बैठी हुई है, पता नहीं क्या चल रहा है इसके अंदर। जो अल्फाज होंठों तक ना आ सके
वो इंसान के अंदर चीखें मारते रहते हैं। तुम बैठो, मैं उससे बात करके आता हूं। आयशा, मेरी बेटी। अबू, आपके लिए चाय लाऊं? चाय पियेंगे? क्यों नहीं पियूंगा, अपनी बेटी के साथ चाय पीने का तो लुत्फ ही है, जरूर पियूंगा। बेटा, उस दिन जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से तुम ही नहीं, मैं और तुम्हारी अम्मी भी बहुत परेशान है बेटा। अब अगर तुम मुनासिब समझो तो मैं तो कहता हूँ कुछ दिन के लिए हमारे साथ चली चलो। अबू, मुझे अपनी फिक्र है ही नहीं, मुझे समीर की फिक्र रहती है। ताना खासा उससे कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होता, क्यों वहम करती हो बेटा? अल्लाह सबकी हिफाजत करने वाला है, अब किसी की जरूरत नहीं कि उसकी तरफ आंख उठा कर देखे। ये देखने की गार्ड्स। आलिया, आलिया, ये क्या हो गया बेटा? इसको क्या लगा आलिया? आलिया, अरे क्या हुआ? लेकिन ये खून नहीं है। आलिया, क्या हुआ? क्या हुआ? ये किसने किया है? ये क्या है? कौन आया था? किसने इसे लगा हुआ? क्या है बेटा? खून खून नहीं है बेटा, खून नहीं है। ये देखो क्या लिखा हुआ। आलिया, क्या लिखा? अगली बार खून तेरी अपनी बच्ची का होगा। बचारत, किधर थे तुम? साहब, मैं बाथरूम गया था। तुम बाथरूम करने नहीं आए हो यहाँ पे? ड्यूटी देने आए हो? आज की बात तुम इस गेट से लेना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी सर। जाओ। चलो आलिया। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था, बच्चे को देखते ही सबकी चीख निकल गई और समीर की शिकल देखने वाली थी। ओ साइड पे इधर से चेक करिए। आइंदा मेरी बीवी और बच्ची पर आंख उठाकर भी देखा ना तो मैं इतना मारूंगा कि मार ही दूंगा। याद रखना, कहीं मैं ये ना भूल जाऊं कि हम दोनों एक ही बाप के बेटे हैं। सही कहा तुमने, हम दोनों एक ही बाप के बेटे हैं, लेकिन हमारी माएं अलग अलग हैं। ना तो कभी तेरी माँ मेरी माँ की बराबरी कर सकी और ना ही कभी तू कर पाएगा। तेरी बराबरी पर आने के लिए मुझे अपने आप को बहुत गिराना पड़ेगा, जो कि मैं चाहता नहीं। और हाँ, जिस जायदाद पर तेरी नजर है ना, उस पर मेरी बीवी और बच्ची का हक है, वो मैं तुझे कभी हासिल नहीं करने दूंगा। हक? हमारे बाप दादा को अय्याशी करने का शौक था, तो वो पैसा लुटाते थे, जायदाद में हिस्सा नहीं देते थे। तेरी मां से मेरे बाप ने शादी करके एक बहुत बड़ी गलती की थी। शट अप! मेरी मां के लिए अपने मुंह से तूने एक और लफ्ज भी निकाला ना तो मेरी मां वो नेक औरत थी जिसने एक ऐसे आदमी को सहारा दिया जो कि अपनी माजी की गलतियों पे पछता रहा था। तू समझ तो गया होगा ना कि मैं किन गलतियों की बात कर रहा हूं।
जिस पे वो पछता रहा था। हट मेरे रास्ते से। ये तुम क्या कर रही हो? जो शख्स अपने पास्ट में जीते रहते हैं वो आगे फ्यूचर में मूव ऑन नहीं हो सकते। कहना क्या चाह रही हो? मैं ये कहना चाहती हूँ कि उस लड़की ने तुम्हें तब तोड़ा जब तुम्हें अपनी सबसे ज्यादा जरूरत थी। अगर वो सचमुच तुम्हारे बारे में केयर करती या तुम्हारी दोस्त होती तो वो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती। देखो शहरयार, जब हम अपने अंदर से दर्द को ख़त्म नहीं करते ना तो दर्द हमें ख़त्म करना शुरू हो जाता है। जिंदगी में प्यार की ज़रूरत होती है यार, प्यार के बगैर ज़िंदगी बोरिंग हो जाती है और एक लॉयर की तो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाती है। हाँ जी, परसों की टिकट्स बुक करवा दें, मैं आपसे पिक करवा लूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। आप कहाँ जा रहे हैं ऐसे हालात में हमें छोड़कर? मैं नहीं जा रहा, हम जा रहे हैं। कहाँ? वो लंदन में हैरिड्स है ना, तुम्हारा जो फेवरेट शॉपिंग प्लेस है, तो वहां के जो एम्प्लॉयज है वो भूखे मर रहे हैं आजकल। क्यों? क्योंकि कराची की लड़की वहां से बहुत शॉपिंग करती जो की आजकल वहां पे जा नहीं रही है, सिर्फ अपने बेवकूफ हस्बैंड की वजह से। आप पागल हो गए? मैं अभी लंदन नहीं जा सकती। एक तो शुरू में तुम हमेशा मना करती हो, पर सबसे ज्यादा मजा भी तुम्हें ही आ रहा होता है। प्लीज जिद नहीं करो ना, लेट्स गो देयर। वैसे भी हालात ऐसे हुए हैं कि आलिया को भी चेंज की जरूरत है। यू थिंक इट्स अ गुड आईडिया? यस ऑफ कोर्स इट इज। आपके केस उसका क्या होगा? वो मैं वकील साहब से बात कर लिए, वो सब कुछ हैंडल हो जाएगा, उसकी फिक्र नहीं करो। जी डॉक्टर साहबा। समीर साहब, आयशा की तमाम रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और जिस बात का मुझे डर था रिपोर्ट्स उसी तरफ इशारा कर रही हैं। आप कहना क्या चाह रही हैं? समीर साहब, आपकी वाइफ को मेनिन्जियोमा है जो कि 20% लोगों में मेलिग्नेंट होता है, यानी दिमाग की सतह पर जो झिल्ली होती है उसका कैंसर। क्या? और एक बात, अगर वक्त न कराई जाए तो ये जानलेवा साबित होता है।